त्रेता युग में देवादिदेव महादेव के सामने सती जी भी कह रहे हैं मैं भगवान को नहीं मानूंगी। और सती जी को बार बार देवादिदेव समझा रहे हैं, देवी मान जाओ ये भगवान है। सती जी कहती मैं भगवान को भगवान मानोगी नहीं, तो ठीक है अगर मानोगी नहीं तो जाकर के तुम भगवान की परीक्षा ले लो कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो दिल जाई परीक्षा ले हो, परीक्षा ले। भोलेनाथ ने कहा जाके परीक्षा लो। आज परीक्षा लेने के लिए सती जी चली तो सती जी विचार कर रहे हैं कि परीक्षा कैसे ली जाए भगवान राम की। राम जी सीता जी की खोज में पागल हो गए, रो रहे हैं पशुओं से पक्षियों से मृगों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं। सती जी परीक्षा लेने के लिए चले, अब भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, तब लगी बैठ आही बट छाही, जब लगी तुम्हें जब तक आप परीक्षा लेकर के राम जी की आओगे तब तक मैं बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन कर रहा हूँ। भोलेनाथ राम राम जपने में लग गए। सती जी आज भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। अब सोच रहे कैसे परीक्षा ली जाए, तो पुनि पुनि हृदय विचार मेरी धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर रूप। सती जी को लगा कि भगवान राम सीता की खोज में पागल हो गए, अब सीता को ढूंढ रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी सामग्री को ढूंढ रहा हो और मिल जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे, तो कम से कम अब राम जी की परीक्षा लेनी है तो बढ़िया सुंदर स्वरूप उन्होंने सीता जी का बना लिया। सती जी सती के रूप का त्याग करके सीता बन गई, बहुत ध्यान देकर के सुन। और सीता का रूप धारण करके सती जी जब चली तो लेकिन सती जी से चलते नहीं बना। बोली भक्त वत्सल भगवान, हम आप सब किसी का रूप तो बना सकते हैं, किसी की तरह वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन आचरण उसकी तरह करना बड़ा कठिन कार्य है। आचरण में चलना नहीं आया, क्यों? क्योंकि याद रखना हर समय सज्जनों, जब जब सीता जी चलती हैं तो सीता जी राम जी के पीछे चलती हैं, और सती जी राम जी के पीछे न चल करके इस सीता का रूप बना करके राम जी की आगे चलने लगी कि आगे वही चल पंथ के अजय ही आवत रू। आगे आगे सीता का रूप बना करके चलने लगी। सती जी के जीवन में सज्जनों एक से एक गलती होने चली। पहली गलती सती जी ने क्या किया, भगवान राम की कथा सुनने के लिए आई अगस्त महाराज जी के आश्रम पर, लेकिन सज्जनों याद रखना सती जी ने राम कथा सुनी नहीं। राम कथा न सुनना यह सती जी के जीवन की पहली गलती। दूसरी गलती, भगवान राम पर संशय हो गया, उनको भगवान पर भगवान मानने के लिए तैयार नहीं, ये दूसरी गलती। तीसरी गलती, भोलेनाथ उनके पति हैं, देवादिदेव महादेव हैं, जब वो बार बार कह रहे थे कि आप भगवान को भगवान मान लीजिए तो सती जी को भगवान मान लेना चाहिए था, लेकिन भोलेनाथ की बात भी सती जी नहीं मानी। तीसरी गलती। चौथी गलती सती जी से हुई कि भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई। और पांचवी गलती सती जी ने किया कि सीता जी का रूप धारण किया, ये सती जी के जीवन की पांचवी गलती। याद रखना आगे आगे राम जी की जाने लगी ना तो राम जी दूर से देखते ही पहचान गए, लेकिन राम जी कुछ बोले नहीं तो राम जी के पहले लक्ष्मण ही जो भगवान राम के छोटे अनुज है ना,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा अचकित भय भ्रम हृदय से। लक्ष्मण जी ने ही पार सती को सीता के रूप में देख करके चकित हो गए, पहचान गए। लेकिन लक्ष्मण जी इसको दृश्य को देख करके शांत रहे। भगवान राम जब सती जी के पास पहुंचे तो देखते कहते क्या कि जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, नाम समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहु महोरी कहाँ इसके तू, कहु महोरी कहाँ इसके तू, तेरे अकेली निरह के ही है तू, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कहो बहोरी कहाँ के तू, अरे माता सती आप इस जंगल में अकेले कहाँ भ्रमण कर रही हो, देवादेव महादेव कहाँ पर हैं? इतना सुनते ही जैसे ही भगवान राम ने सती जी को पहचान लिया और भोलेनाथ का नाम लेकर के पूछा आप अकेले कहाँ भ्रमण कर रहे हो, बहुत महादेव कहाँ है, इतना सुनते ही सती जी का पूरा शरीर थरथर थरथर कांपने लगा। अपने नेत्र को बंद कर लेती है और जैसे सती जी अपना नेत्र खोलती है ना तो चारों तरफ सती जी को भगवान राम और सीता जी दिखने लगे। राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। सती जी का पूरा शरीर कांपने लगा, कंपायमान शरीर को लेकर के दौड़ती हुई भागती हुई वहां से आई जहां भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे बैठ करके राम राम जप रहे थे। सती का जैसे आगमन हुआ महादेव जी ने कहा सती आपने भगवान राम की परीक्षा ले ली, अब सती जी के जीवन की छठवीं गलती ध्यान देकर के सुनिए। सती जी ने पांच गलती अभी तक की। पहली गलती कथा न सुनना, दूसरी गलती की भगवान राम पर संशय, तीसरी गलती सती जी के जीवन की शिव जी की बात को मानी नहीं, और चौथी गलती राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई, और पांचवी गलती सीता जी का रूप बना लिया, और छठवीं गलती जब भगवान ने पूछा कि आपने परीक्षा ले ली तो देवादेव महादेव जी के सामने सती जी ने झूठ बोल दिया। सती जी ने हाथ जोड़ के भोलेनाथ से कहा कि कछु न परीक्षा लीने गोसाई, 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 प्रणाम तुम्हारी नाई, प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो आपने किया क्या? भोलेनाथ के सामने सती जी ने कहा प्रभु मैंने एक काम किया, क्या? जो काम आपने किया था। तो मैंने क्या किया था? कहा आपने भगवान श्री राम को आकाश मार्ग से प्रणाम किया, मैंने भी राम जी को प्रणाम किया, अंतर केवल इतना है कि आपने आकाश मार्ग से दूर से कर लिया और मैं राम जी के पास जा करके करके आ रही। बोली भक्त वत्सल भगवान असत्य बोल दिया। और याद रखना असत्य बोलना जीवन का सबसे बड़ा पाप, सत्य बोलना जीवन का सबसे बड़ा धर्म, और असत्य का भाषण करना जीवन का सबसे बड़ा पाप। और भी महादेव के सामने सती जी ने असत्य बोला। ये राम कथा कहती जीवन में सत्य वचन बोलो, सत्य को अपनाओ, सत्य के मार्ग पर चलो। लेकिन
हम आप सब सती जी की तरह थोड़े से स्वार्थ में ना असत्य बोलते रहते हैं, तो असत्य का परिणाम बहुत दुस्तर होने वाला है। नहीं असत्य सम पातक पुल्या अगिरि सम होहि कोटि गुंजा। जीवन भर आप सत्य बोली, लेकिन अगर आप एक बार जीवन में असत्य बोल दिए तो जीवन का किया गया सारा सत्कर्म शब्दर्थ हो जाता है। असत्य बोलना ही मानो आपने सबसे बड़ा पाप कर दिया। तब आज सती जी ने भोलेनाथ के सामने असत्य बोला। भोलेनाथ ने नेत्र बंद करके देखा, ओ सती जी ने तो सीता का रूप बनाया और सीता को मैं तो मां मानता हूं, मेरी जगत जननी आंबा प्रांबा जगदम्बिका है सीता, अरे सती मेरी पत्नी। तब मेरी पत्नी ने जब मां का रूप धारण कर लिया तो अब इनका आसन मेरे बाएं भाग में नहीं, इनका आसन मेरे सामने लगना चाहिए। भोलेनाथ ने सती का आसन सामने लगा दिया बैठने के लिए, और मन में भोलेनाथ ने संकल्प किया कि यही तन सती अशिव भोलेनाथ ने सती के त्याग का संकल्प लिया। लेकिन इतना बड़ा संकल्प अपने मन में ले रहे हैं,